अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जा रहा है श्रीलंका के अंदर। दिन का पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज, जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त कमबैक किया, अपने टेस्ट क्रिकेट को दोबारा रेड बॉल में ज़बरदस्त कमबैक किया, पहले ओवर के अंदर भी विकेट ली और बाकी तीन विकेटें इंपॉर्टेंट हासिल की। उसके पाकिस्तान में जब पाकिस्तान और श्रीलंका का टास्क हुआ तो उसके दरमियान बाबर आजम टास्क हार गए, तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग का फैसला किया। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो जो खिलाड़ी हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे इमामुल हक हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक हैं, फिर नंबर 3 पर शान मसूद हैं। अच्छा, शान मसूद और हुरैरा के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा था कि यार इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो अगर एक्सपीरियंस को देखा जाए तो शान मसूद बेहतर है, अगर हुरैरा जो अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो हुरैरा की परफॉर्मेंस बेहतर है। तो मुझे लगता था हुरैरा को खिलाया जाएगा लेकिन नहीं खिलाया गया। अनफॉर्चुनेटली शान मसूद खेल रहे हैं, नंबर 3 पर शान मसूद होंगे, नंबर 4 पर बाबर आजम कैप्टन है, उसके बाद साउथ शकील हैं 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर सरफराज अहमद है, विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे। इसी के साथ साथ आगा सलमान 7वें नंबर पर हैं, नुमान अली 8वें नंबर पर हैं, 9वें नंबर पर इब्रार अहमद हैं, इसी के साथ साथ नसीम शाह 10वें नंबर पर हैं और शाहीन शाह अफरीदी 11वें नंबर पर हैं। अभी इसमें जो पहला सेशन खेला गया उसके अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है शाहीन शाह अफरीदी ने, और ज़बरदस्त मज़े की बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट के अंदर 100 विकेट्स हो गई हैं, 100 से ज़्यादा हो गई हैं, 102 विकेट्स हो गई हैं। इस टाइम पहला सेशन एंड हुआ है और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के 19वें बॉलर हैं जिन्होंने 100 प्लस विकेट्स हासिल किए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और फास्ट बॉलर के तौर पर 11वें नंबर पर हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इसमें आपको पहले सेशन के बारे में बता देता हूँ। पाकिस्तान के श्रीलंका इस टाइम 65 पर 4 आउट हैं श्रीलंका के 19 ओवर्स के अंदर। बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया, घंटा डेढ़ उसके अंदर लग गया, नहीं तो ज़्यादा ओवर होने थे, लेकिन पहला सेशन एंड हुआ है उसके अंदर श्रीलंका 65 रन पर 4 आउट हो चुके हैं। इसमें शाहीन शाह अफरीदी की ज़बरदस्त कारकर्दगी है, शाहीन शाह अफरीदी ने 8 ओवर्स के अंदर 28 रन देकर 3 इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की। इसके अंदर कैप्टन की भी विकेट थी जो ज़बरदस्त खेल रहा था और मुझे लग रहा था ये बहुत लंबा इनिंग को लेके जाएगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का ज़बरदस्त कमबैक श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया। इसी के साथ नसीम शाह की ज़बरदस्त बॉलिंग, नसीम शाह ने भी 9 ओवर्स के अंदर 33 स्कोर दिया और एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की जो बाबर आजम ने स्लिप पे ज़बरदस्त कैच पकड़ा। इसी के साथ इब्रार अहमद ने 2 ओवर करवाए, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 रन कहे हैं और अभी पहला सेशन ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान इस टाइम अगर इसका निचोड़ निकाला जाए तो पाकिस्तान अभी श्रीलंका पे हावी हुआ हुआ है मुकम्मल तौर पर। पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान ने 4 विकेट हासिल किया, मतलब कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अभी मिडिल ऑर्डर चल रहा है, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर होगा और इंशाल्लाह सेकंड सेशन के अंदर पाकिस्तान अच्छा कमबैक करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।